हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मैं, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी में कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो एग्जाम है यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती है, सीबीएसई एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो थ्री स्टेजेस में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। उसमें अपन मेंस के जो है वो आज ऑप्शनल सब्जेक्ट देखेंगे कि मेंस में कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें मैंने ये सारे नोट नहीं कर पाया। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं वो हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम जो मेन सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, वैसे तो सभी इक्वली हैं, पर जो पहले जो सब्जेक्ट वाले हैं, तो पहला जो सब्जेक्ट है इसमें वो होता है एग्रीकल्चर ले सकते हैं आप इसमें, और इसमें आप बॉटनी ले सकते हैं, इसमें आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, लॉ ले सकते हैं आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड स्टेटिक्स। इसमें और भी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वो मैं इसके बाद में नोट करके आपको बताऊंगा। पर आप ये देख सकते हैं कि इनमें से जो भी सब्जेक्ट हैं ये सारे इक्वल स्कोरिंग होते हैं। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो एग्जाम में लेना होता है। ऐसा कोई नहीं है कि हर बार जो यूपीएससी सीएससी में टॉपर आते हैं वो अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट से आते हैं। तो जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो अपने अकॉर्डिंग वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई सोच रहा होगा कि इकोनॉमिक्स ज्यादा स्कोरिंग है या फिर जियोलॉजी ज्यादा स्कोरिंग है, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। आप अगर देखेंगे नेट पे सर्च करेंगे तो हर बार जो एयर वन रैंक आती है वो अलग अलग टॉपर्स उनके सबके ऑप्शन सब्जेक्ट अलग अलग रहता है। तो मेनली मैथमेटिक्स जो इसका सिलेबस लेंदी है, इसका जो सिलेबस है वो लेंदी सिलेबस है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी राइटिंग अलग है, ये राइटिंग लिखी हुई है अलग है, तो ये राइटिंग मेरी नहीं है, मैंने किसी से लिखवाया है ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आगे के जो सब्जेक्ट जो लैंग्वेज सब्जेक्ट वो बच्चे में वो लिखते हैं और फिर वो भी आपको बताता हूँ। इतनी देर आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चलिए बाद में मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं लिटरेचर जो लैंग्वेज जो आपको लेनी होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, आप उनमें से कौन कौन सी ले सकते हैं। तो इसमें से पहली जो लैंग्वेज है वो आसामीज है, फिर डोगरी, कन्नड़, मैथिली, मराठी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तमिल, इंग्लिश, बोडो, हिंदी, कोंकणी, मणिपुरी, ओडिया, सैंथली, तेलुगु, ये जितनी भी लैंग्वेज होती हैं ये आप ऑप्शन सब्जेक्ट में ले सकते हैं। और इससे पहले भी हमने जो सब्जेक्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इतने जो ये ऑप्शन सब्जेक्ट होते हैं इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो चूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग है, तो ऐसा इसमें नहीं, बहुत कम चांस है कि कोई सब्जेक्ट आपको मिल जाएगी। पर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, मेन बेसिक आपका इंटरेस्ट मैटर करता है कि आप उसमें कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं यूपीएससी में। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस का जो है वो डिटेल सिलेबस लेके आने वाले हैं कि डिटेल में जो सिलेबस कौन कौन से पेपर में क्या क्या सिलेबस रहता है। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।